सो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए गेम प्ले वीडियो में। इस गेम प्ले वीडियो में दोबारा खेलने जा रहे हैं द ग्रैंड चैप्टर 2। पिछली वाली वीडियो में आपने देख लिया था कैसे मैं हेलीकॉप्टर स्केप करने गया था और मेरा पोपट हो गया था। बस आज पोपट नहीं होने देंगे और आज गैनी का डोर फाड़ के भाग ही जाएंगे। सो वीडियो में एंड तक बने रहना, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस गेम प्ले वीडियो में। तो रियली कह रहा हूँ एंड तक ज़रूर बने रहना। तो चलो मैं यहाँ पर सिंपली गेम स्टार्ट हो जाती है, थोड़ा फॉरवर्ड करते हैं जैसे कि आपको पके ना। और यहाँ पे देखो बुड्ढा एंड में ही मिल जाता है, मतलब शुरुआत में मिल जाता है और पीछे पड़ लिया हमारे। तो चलो मैं यहाँ नीचे चलते हैं, यहाँ पर शायद स्टन गन मिल जाए। शुरुआत में स्टन गन या वेपन की एक, इन दोनों से कुछ एक मिल जाए ना तो काम बन जाता है इन दोनों बुड्ढा बुढ़ियों को पेलने को। देखो वहाँ पर अभी गया है, तो मैं इसका डोर खोल लेता हूँ। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले, ओ भाई ग्रैनी आ गई। मैं वहाँ पर लिटरली गन ढूंढ रहा था कि मिल जाए। तो देखो ग्रैनी अभी भी पीछे पड़ी हुई है। मैं वहाँ पे गन ढूंढ रहा था कि भाई मुझे गन की मिल जाए, जिससे वजह से मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके खेल सकूँ। बट यार तो वहाँ पे मिल गई, चलो वो तो नहीं मिला पर पिंच मिल गया। और वहाँ पे मैंने स्टोक गिरा दिया जिससे कि ग्रैनी मिल जाए। और यहाँ पे यार जो चाहिए थी वो तो मिल गई, वेपन की मिल गई। अब तो भाई किसी चीज़ का डर नहीं है। पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा देख दाख लेता हूँ, यहाँ पे आ तो नहीं रही है। तो यहाँ पे मैं पिंच फेंक देता हूँ, यहाँ पे ग्रैनी आ जाएगी। अब वेपन की उठाते हैं, वेपन की से पहले यहाँ पे गिराते हैं और ग्रैनी को ऊपर बुला लेते हैं कि नीचे हो तो ऊपर आएगी। और वो देखो वहाँ पे ग्रैनी है, तो यहाँ पे नीचे उतर जाता हूँ मैं चुपकाप से, बस बाथरूम में ग्रैंड पा ना हो। ओ भाई यहाँ पे मैंने वेपन की से खोल ली और सारी गोली रीलोड कर ली। अब बुलाते हैं ग्रैनी को और पटाख से देंगे भाई हेडशॉट। तो यार यहाँ पे ग्रैनी को हमने बुला लिया है। अब देखो यहाँ पे कितने डेंजरस हाथ है। अब देखो और तो इतनी दूर गिरती है ना, मतलब ऐसे मानोगे नहीं इतना दूर गिर जाती है, आपने काफ़ी ज़्यादा देखा होगा। चलो एक गोली रिलोड कर लेते हैं, ग्रैंड पर तो अभी मिला नहीं हमें। तो यहाँ पे सारी अलमारी एक एक करके चेक कर लेते हैं, बहुत जल्दी जल्दी कर लेंगे। आज आज का जो गेम प्ले है ना वो सबसे फास्टेस्ट होने वाला है इस चैनल पे, कि हमने पहले तो बहुत टाइम लगा देते, 20-20 मिनट लगा देते, बट आज ये 10 मिनट में ही कम्प्लीट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें कटिंग प्लायर मिल चुका है, एक मिल चुका है। और यहाँ पर देखो आहा चिल्लाते हुए ग्रैंड पर आ गए। अब इनके जो मंगलसूत्र से हमें मिलेगी वो सिक्योरिटी की, और वो सिक्योरिटी की उठा के हम गेट खोलेंगे। जब तक पहले सारे दरवाजे खोल डालते हैं। और यहाँ पे इनके मंगलसूत्र से हमें मिल चुकी है सिक्योरिटी की, और सिक्योरिटी की लेके हम जाएंगे सिक्योरिटी का दरवाज़ा खोलने। अब हमने दरवाज़ा खोल दिया, अब गन उठाते हैं, शायद होप सो ग्रैनी जग गई हो। तो यहाँ पे इस दरवाजे में मिल चुकी है हमें सिक्योरिटी की, मतलब आज भगवान हमारे साथ ही है, मतलब सब चीज़ तुरंत तुरंत मिल जा रही है। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस गेम प्ले में भाई, तो एंड तक बने रहो और लाइक कर दो एक। चलिए यार यहाँ पे एक एक करके चीज़ें चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ है तो नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है। एक एमओ की गन कम गोली कम पड़ रही है, तो इस एमओ से हम ये वाला दरवाज़ा खोल लेते हैं। इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ भूत के पास होगा ज़रूर। तो हमारे पास एक गोली और पड़ी है, यहाँ पे रिलोड कर लेते हैं ये दोनों गोली ग्रैंडपा के लिए। अब ये स्टेयरिंग व्हील उठा के मैं नीचे फेंक देता हूँ जिससे कि ग्रैनी आ जाएगी। तो मैंने बोट का स्टेयरिंग व्हील नीचे फेंक दिया है और शायद वहाँ पर उसका ट्रैप भी रखा है। तो ये शॉर्ट गन मैं उठा लेता हूँ और इस ट्रेन ना मैं इसको ही पेलूँगा। तो देखो यहाँ पे ग्रैनी आ गया, वो चाह तो ढूंढ रही कहाँ। ओ भाई लिटरली क्या पड़ा ना, वो नीचे गिरी। ओ भाई जो ट्रैप लगा था उसमें मैं गिर गया और मेरे पैर उसी में फंस गए यार। वाह भाई कैसे अच्छे कैसे लिख रहा है, होल्ड टू रिमूव, इस पर होल्ड करके रखना पड़ेगा, बस बुढ़ा ना आ जाए। ग्रैनी तो मरी हुई है, बस बुढ़ा ना आ जाए, बुढ़ा ने आ जाए। भाई इसके अंदर कुछ है, यहाँ पर तो भाई कुछ भी नहीं मिला। अब हमें सिर्फ चाहिए एक क्रोबार। मैं यहाँ पर पहले इस तार गिराता हूँ, ग्रैनी को बुलाता हूँ। देखो ग्रैनी आ गई है, ग्रैंडपा आता ही नहीं है, पता नहीं क्यों 2.30 सेक के लिए स्टॉप हो चुके हैं। और मैंने यहाँ से सिक्योरिटी की नीचे फेंक दिया, मुझे वहाँ पे काम है। तो चलो मैं यहाँ से उतरता हूँ और नीचे बाथरूम से। ओ भाई जैसे ही मैं उतरा ना भाई, यहाँ पे बूढ़ा साइड में ही खड़ा था, बुढ़ा यहाँ साइड में ही खड़ा था भाई। अब सिक्योरिटी की उठाते, दोनों मर चुके हैं, अब यहाँ पर खोलते। और भाई मिल गया हमें डोर का लॉक, ओह ये तो मिल गया। डोर का लॉक लगा देते हैं और कटिंग प्लायर हमारे पास है ही। अब हमें चाहिए बस एक क्रोबार चाहिए और हैंड व्हील चाहिए, तो दो चीज़ आ रहे हैं। और एक ग्रहणी देखो फिर से जग गई, फिर मारना पड़ेगा। अब नीचे जाते दौड़ते हुए और इस पिंच को से पहले पानी बंद कर देते। उसके जो लड़के के पास ना कुछ ज़रूर होगा। वो लड़का मुझे ना आम नहीं लगता, वह काफ़ी ज़्यादा डेंजरस सा लगता है वो लड़का। जब उसको मारते हैं और जब उसकी चीखें निकलती है तो यार मतलब बताने लायक नहीं है, वो कितनी गंदी चीख होती है उसकी सबसे हट के। और यहाँ पे इतने देर में हमने ग्रैनी को लुढ़का दिया है और ग्रैंड पर यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा मुझे। तो मुझे डर है कि भाई अभी मैं मारता नहीं हूँ, तो सबसे पहले गोली रीलोड करता हूँ और ग्रैंड पर को मारता हूँ, फिर उसके जाकर लड़के को मारूंगा। क्योंकि अचानक से ग्रैंड पर आ गया तो कहीं हिल जाएगा। तो देखो यहीं बुड्ढा हमारे पास आ रहा था, मुझे पता था ये अपने लड़के को देखने गया होगा कि मेरा लड़का जिंदा है कि नहीं। तो एक गोली मैंने इसके लड़के लिए बचा रखी है, अब ये आ नहीं रहा, यह अब ऐसे ऐसे परेशान करेगा मुझे पता है।
बट मैं थोड़ा सा करीब जाने का रिस्क लूँगा। अभी इसको पता चलेगा कि हम आ रहे हैं, इसके पापा आ गए हैं, तो अभी ये यहाँ पे देख के हमें थोड़ा धमकाएगा। इसको इतनी तेज़ पड़ेगा ना हेड शॉट, अब जो इसकी चीख निकल रही है ना भाई, वो सबसे ज़्यादा डरावनी लगती है इस गेम प्ले में। मतलब और सब तो ऐसी हैं, बट जो इसकी चीख है ना वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लगती है मुझे। तो मैं यहाँ पे क्रोबार को छोड़ देता हूँ, पहले नीचे वाला बॉक्स जाके खोलूँगा, उससे पहले मैं ग्रोल ही रीलोड कर लेता हूँ कि यार ग्रैंडपा और ग्रैनी जग गए होंगे, होप्स हो यहाँ पे जग गए होंगे। तो मैं पहले जाके गोली रीलोड करता हूँ, और यहाँ पे थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो क्रोबार उठा के पहले नीचे वाले में चलते हैं और बॉक्स को चेक करते हैं कि वहाँ बॉक्स में है क्या। तो यहाँ पे बॉक्स था, बस ग्रैंडपा ना आ जाए, वो गेट खुला लग रहा है, लगता है ग्रैंडपा बोट के पास गया है। यहाँ पे भाई स्टन गन मिल चुकी है, काफ़ी ज़्यादा सही हो चुका है, स्टन गन मिल चुकी है, अब कोई इस चीज़ की दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम ग्रैनी को बुलाते हैं दोबारा से, और ग्रैंडपा ग्रैनी को दोनों को पेलते हैं यहाँ पे। तो ओ भाई देखो, यहाँ पे देखो ग्रैनी का डांस। आप तुम्हें इस वीडियो में ऐसा लग रहा होगा कि बार बार यहाँ पर पीटा ही जा रहा है, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा कट टू कट रखा है गेम को कि फास्टेस्ट हो, और इसमें फास्टेस्ट के चक्कर में कट टू कट वीडियो रखी थी, तो जिस चक्कर से इसमें तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैनी और ग्रैंडपा की धुनाई दिख रही होगी। और यहाँ पे देखो ग्रैनी आ चुकी है, और मेरी जो की है ना वो ग्रैनी के नीचे पड़ी हुई है, अब मैं उसे उठाऊँ कैसे। जैसे मैं बाहर जा रहा हूँ वैसे ही बुड्ढा अंदर आ जा रहा है, तो अभी ग्रैनी जैसी ख़त्म हो गई ना, मैं उसकी की उठा रहा हूँ, तो उठा नहीं पा रहा। बट जिसकी जैसी लाश अभी मतलब पोस्टमार्टम होगा, स्वर्ग के पास भगवान के पास चली जाएगी, तो मैं इसको उठा लूँगा। तो यार यहाँ से देखो गई, अब इसकी यहाँ से तृप्त हो गई आत्मा। भाई बुढ़ा को भी मार दिया, अब बुड्ढा मर चुका है, अब चलो बुड्ढे का भी खेल ख़त्म। अब यहाँ से हम सीधा भगते हुए जाते हैं, और यहाँ से क्रोबार से इन दोनों चीज़ों को खोल लेते हैं। ये खुल चुका है, बस हैंड व्हील लगा के हमें करंट को मारना। और भाई हैंड व्हील भी मिल गया, सो हैंड व्हील को फेंकते हैं यहाँ पे जल्दी से। अब यहाँ पे कटिंग प्लायर से बिजली को काट देते हैं जाके, और हमें चाहिए एक पैडलॉक की। बस मुझे वो पैडलॉक की उस शैतान के पास जो ऊपर कर रहा है ना, उसी के पास होगी ज़रूर। तो ये यहाँ पे काटी, और होप्सो यहाँ पे पैडलॉक की मिल जाए, होप्सो मिल जाए मिल जाए। भाई यार क्या रखा है इसने, ओ भाई मिल गई पैडलॉक की मिल गई, और हैंड व्हील लगाना है, बस गेम ख़त्म, हमारी गेम ख़त्म। आज तो हमने ग्रैनी का डोर फाड़ दिया, और यहाँ देखो ग्रैनी कैसे ऊपर देख रही है, और इसके जो पड़ा हेड शॉट, मज़ा ही आ गया। पैडलॉक की उठा के मैंने यहाँ पे किया है, अब मुझे बस बुढ़े को मारना है। यहाँ बुढ़े का गाना बजा देता हूँ, इस गेम प्ले वीडियो ना आप अभी देखना, बुढ़ा धीरे से आके देखना, यहाँ पे बुढ़ा आकर डांस करता है गाने के साथ। यहाँ देखो बुढ़ा आ चुका है, अब इस बुढ़े को मारता हूँ, और ये पिटा बुढ़ा, इसे गोली छीनो फटैक से। अब नीचे चलते हैं, यहाँ पे हैंड व्हील उठाते हैं, और ये हैंड व्हील उठाते हैं यहाँ से। भाई गोली लग जा, अरे लग जा, ओ भाई ओ ओ नो 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 नो, गोली चलाने से पहले बुड्ढा ही आ गए, मतलब मुड़ने भी नहीं दिया थोड़ा सा, टाइम तो दे दो भाई मुड़ जाऊँ मैं, बट उससे पहले आ गई। अब चलो उठ गए दोबारा से, अब ग्रैनी ग्रैंडपा दोनों को दोबारा से पेलना पड़ेगा। अब ये यहाँ पे है कहाँ, यहाँ पे पहले ही बुड्ढे को दिख के आया था मुझे, इसी तरफ रहता है नीचे। अब ग्रैनी भक्ति आएगी, सबसे पहले गोली उठा लेते हैं। करंट वाले में ना दोनों एक साथ आते हैं, भक्ते एक दूसरे के लिए चाहत बहुत है ना। और यहाँ पे देखो ग्रैनी आ गई, अब चलो हम ऐसे पैडलॉक की उठाते हैं और सीधा ताला तोड़ते हैं, और हैंड व्हील लगा के हम किस गेट से बाहर निकलते हैं। तो ये ताला टूट चुका है, बस हैंड व्हील हमारे जीने में पड़ा था, जो हमने शायद जीने में फेंका था, तो सीढ़ियों पे हैं, तो सीढ़ियों पे हैंड व्हील मिल चुका है। अब से हैंड व्हील लगा दिया, और आवाज़ भी बहुत तगड़ी आ चुकी है, अब उठ चुका है। अब ग्रैनी का मन तो कर रहा है घर तोड़ देता हूँ सब कुछ, बट जग ना गई हो। अब गेट खुले गया, अब इन दोनों का मुंह देखो भाई कितना ज़्यादा ओपी है, इन दोनों को मतलब चकमा दे के इतना सब करने के बाद अब भागने का मौका दिया, और दोनों डंडा लाट डंडी और डंडा लेके दोनों खड़े हैं, और इस गेम को हमने सो गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल बनाया हो सब्सक्राइब करना, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।